हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक। तो आज मैं आप लोगों को पहला चैप्टर यानी परसेंटेज चैप्टर का मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि क्या होता है। आप उस चैप्टर को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर से जाइए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए और इसको तब तक देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आ जाती। उसके बाद आपको समझ में नहीं आती, अपना क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डालिए। और आप लोग रोस्टिंग बहुत करते हो, जिसको हमारी वीडियो पसंद नहीं आती है वो सीधा सीधा बाहर हो जाओ हमारे चैनल से, ओके? तो क्योंकि हमने इस चैनल को शुरू किया है तो वैसे स्टूडेंट के हेल्प करने के लिए, जो जिसको कि सब दुनिया वाले कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए मेरा चैनल है। और ऐसा आप लोग सोच रहे हो कि बस एकाएक हम आए और रातों रात आपको नौकरी दिला दें, ऐसी बात भी नहीं है। आप मेरे एक एक स्टेप को यदि फॉलो करोगे तभी आपको मिल पाएगी नौकरी, और इसमें छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। और मैं एक एक गलती को मैं जब बताऊंगा, इसके लिए तो हमको बोलना ही पड़ेगा ना, मैं भाषण करता हूँ ना, ओके? ठीक है, जिसको लगता है मैं भाषण करता हूँ वो मेरे भाषण को क्यों सुनते हो, बस ठीक है। और लगता है आपको अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस पाना है तो बस हमारी इस वीडियो को देखते रहिए, और कोई कुछ भी कहे पर आप मत बदलिएगा। और मैं आप ही के लिए आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा पैसन है, ठीक है? तो मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, आपको कैसा लगा लाइक कीजिए और इसमें कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए। अब मैं आज को आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल बताने से पहले मैं वो सब बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस वजह से स्टूडेंट का मैथ नहीं बनता है, या फिर जिस वजह से इंडिया का 75-80% स्टूडेंट मैथ में कमज़ोर है। यस, मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आता है जो कि अभी बीटेक कर रहे हैं यानी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर भी उनका मैथ कमज़ोर है। आखिर कहाँ फॉल्ट रह गई हम लोग सिस्टम में? क्या टीचर नहीं पढ़ाया? क्या भी हम लोग के पास वैसा बुक नहीं था? एक्चुअली दोनों बात था, ना वैसा बुक है, ना वैसा कोई टीचर है, ना वैसा कोई प्रोफेसर है, और ना कोई ऐसा कोई दोस्त है या कुछ भी है जो हम लोगों को ये बता सके कि मैथ कितना आसान है। और मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊँगा कि मैथ कितना आसान है, मैं हमेशा आपके साथ, ओके? तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी इतना कमज़ोर क्यों होता है। तो फिर देखिए, मैथ में क्यों होते हैं स्टूडेंट कमज़ोर? यस, 70-80% स्टूडेंट मैथ में कमज़ोर होते हैं, 80% स्टूडेंट। यही एक ऐसा फैक्ट है जिसके दम पर मैं आपको रिजल्ट दिलाने वाला हूँ। कहने का मतलब कि यदि मैं आपका मैथ को यदि मैं ठीक कर देता हूँ तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि GS तो सबको आता है, आपको भी आ गया, और मैं आपको सबसे ज़्यादा बताने वाला हूँ GS भी। तो अब देखें कि मैथ में ये वीडियो चाहे जितना लंबी बन जाए आप प्लीज़ देखते रहिएगा फुर्सत में, ओके? तो मैंने क्या देखा कि स्टूडेंट जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं मैथ में, 75-80% तक स्टूडेंट बहुत कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर कहने वाला कि जिसका मैथ 50% से नीचे है उसको मैं कमज़ोर बोलता हूँ। तो अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब देखिए, अब यदि आप मैथ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए कंपटीशन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 75% को तो मैथ आता ही नहीं है, यदि आपको आता है तो आप तो 75% को पीछे कर दिए, तो आपके लिए कंपटीशन कितना बचा? 25% में फिर और सब सब्जेक्ट में रीजनिंग है, GS है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट है, और उससे ही बड़ी बात कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके? तो पूरा भरोसा रखिए आपका रिजल्ट आएगा, बस ईमानदारी से थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए, और मैं आपको सब कुछ तरीका बताऊंगा। यदि आपको कुछ भी याद नहीं होता है या मैथ में जो भी प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ अपने प्रॉब्लम को मत छुपाइए, मुझसे हो या फिर किसी और से उसको शेयर कीजिए। उसका सलूशन उसको तब तक शेयर करते रहिए जब तक उसका सलूशन नहीं मिल जाता, और मैं इस बात की 99.999% गारंटी देता हूँ आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास, चाहे आपका प्रॉब्लम किसी भी टाइप का हो, पढ़ाई का प्रॉब्लम हो, पैसा का प्रॉब्लम हो, या घर द्वार लड़ाई झगड़ा दोस्त को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन जो आपको उस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। तो फिर मैं देखता हूँ कि मैं स्टूडेंट मैथ में कमज़ोर होते हैं और कमजोरी का ही फायदा आप उठाइए। यस, अब इंडिया का 2 करोड़ स्टूडेंट तो मुझसे आके पढ़ेगा नहीं, बस कुछ हज़ार ही पढ़ सकते हैं। तो जो मेरी बात को समझेगा, मुझे ऐसा लगता है जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो ज़रूर सक्सेस हो जाएगा, ओके? उसके बाद देखिए, मैथ में बचपन की गलती, मैं कुछ दूसरे सेंस में इसको बता दिया, बचपन में स्टूडेंट क्या गलती करते हैं
उसी गलती का नतीजा होता है कि उसका मैथ कमज़ोर हो जाता है। एक्चुअली बचपन में स्टूडेंट भी गलती करते हैं, स्टूडेंट के पेरेंट भी गलती करते हैं, स्टूडेंट के टीचर भी गलती करते हैं, जिसका वजह होता है कि उसका मैथ कमज़ोर हो जाता है। फिर चाहे इंजीनियरिंग में ही क्यों ना चले जाए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम 75% स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो फिर देखिए कि बचपन में हम लोग क्या गलती करते हैं मैथ बनाने में। क्लास में मैथ बनाए, ठीक है, एग्जाम्पल बनाए, ठीक है, होमवर्क किए, ठीक है, नहीं ठीक। होमवर्क करने समय हम क्या गलती करते थे, वो गलती ये थी कि हम लोग को जब होमवर्क मिलता था, क्वेश्चन नंबर एक बना लिया अपना मन से, दो बना लिए, तीन बना लिए, चौथा क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो हम क्या करते थे, बैक में जा कर के उसका सॉल्व एग्जाम्पल देखते थे, या फिर नहीं आगे जा पीछे आकर के उसका सॉल्व एग्जाम्पल देते थे, या फिर बैक में जाकर उसका सॉल्यूशन देखते थे। और इस यही सबसे बड़ी वजह थी कि सब लोगों का मैथ इतना ज़्यादा कमज़ोर है। तो आपको अभी ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, आपको उस समय क्या करना चाहिए था, उस समय ये करना चाहिए कि आपसे तो तीन क्वेश्चन बन गया था, तो तीनों का एक्सपीरियंस आप वहाँ पर लगा करके, माइंड लगा करके चौथा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते, 10 मिनट करते, 20 मिनट, और जब नहीं बनता तो आप सॉल्यूशन को नहीं देखना था, और आपको करना क्या था, आपको अपने टीचर से पूछना था, किसी और से पूछना था। अब देखिए, सॉल्यूशन देखने में प्रॉब्लम क्या होती है कि सॉल्यूशन को किसी और ने लिखा है, और जिसने ये बुक लिखा है वो बहुत लेवल का आदमी होता है, बहुत स्टैंडर्ड होता है, उसका लेवल बहुत 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 हाई होता है। अब जरा सोचिए, हम लोगों का लेवल बहुत नीचे है, और बहुत हाई लेवल का जो होगा स्टूडेंट, वो आपके लिए सॉल्यूशन कुछ निकाल के लाएगा, यानी वो आपका क्वेश्चन वो बनाएगा, और उस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा। हो सकता है आप उस समय समझ जाएगा, एक दो दिन तक समझ जाएगा, एग्जाम तक समझ जाएगा, लेकिन ज़िंदगी तक नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपको वो सब तरीका बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपका मैथ कभी कमज़ोर है तो नहीं होगा, और नहीं है तो कभी नहीं होगा। आप मेरी इस सब बात को ध्यान में रखिए कि बचपन में जो गलती किए वो अब नहीं करना है। और इसलिए मेरा आप लोगों को नोट्स के लिए मैंने रिकमेंड किया था, बहुत लोगों ने कहा था कि ये मेरा बिजनेस है, धंधा है, बल्कि ये नहीं है, मैं पूरे लागत कीमत में ही देता हूँ उसको। पूरे 14-15 किताब मैं सेलेक्ट करता हूँ, 14-15 किताब आप जाएगा मार्केट में खरीदने के लिए कितना लगेगा, कम से कम 1500-2000 तो लग ही जाएगा, लेकिन मेरा जो उसमें जो लागत आ रहा है छपाई में, वो वही 800 के आसपास है। 200 रुपया स्पीड पोस्ट से मैं भेजूँगा आपको, साधारण ढंग से नहीं, स्पीड पोस्ट से भेजूँगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो पहुँच जाए। यदि जो भी इच्छुक है लेने के, वो आप उनको कॉल कीजिए और ले सकते हैं वो किताब, मैथ रीजनिंग जितना भी चीज़ है, क्योंकि उसमें मैंने वैसे क्वेश्चन को ही डाला है जो एग्जाम में पूछते हैं। अब ये नहीं समझे कि मैं किताब है, किताब मैं किताब नहीं बेच रहा हूँ, आपके पास किताब है कोई भी, आप लीजिए या फिर नहीं लीजिए वो अलग बात है, लेकिन यदि आप ले लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इस बारे में सोचिएगा कि अब देखिए, मैंने मेरी किताब को खास बात क्या है, यदि आपको मेरी वो बात, बचपन की गलती वाली बात, यदि आपको मेरी पसंद आती है तो आप ज़रूर लीजिएगा उस किताब को, मैंने जो सेलेक्ट किया उसको, क्योंकि उसमें मैंने क्या किया है कि एक क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन का जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेगा, वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका होगा, यस। और आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वही पूछा जाता है एग्जाम में, और मैं तो बस यही तो करता हूँ। और देखिए, अब एग्जाम में बस वही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को मैंने सेलेक्ट किया। आप भी उसको बनाएगा, एक बार बनाएगा, दो बार बनाएगा, तीन बार, चार बार बनाएगा, तो आपके सामने से वो मैक्सिमम क्वेश्चन निकल चुका होगा, जैसे परसेंटेज वगैरह कितना क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा चुका होगा, 150-200 जितना भी क्वेश्चन होगा, सबको मैंने अपने नोट्स में शामिल कर लिया, और उस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन नहीं निकाला, और सब किताब की तरह मैंने उसका सॉल्यूशन लास्टिंग में नहीं निकाला, बल्कि मैंने उस क्वेश्चन से पहले ही आपका, उसमें मैंने सिर्फ उसका आंसर दिया कि एक का डी, दो का सी, इस तरह से मैंने दिया है सर, ये फैक्ट मैंने निकाला है। आपको सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं देखना, यदि आप अभी भी सॉल्यूशन देखते हैं तो बंद कर दीजिए, मेरी इन बातों को मानिए। और यदि आपको एक्चुअली क्या करें, देखने की आदत होती है कि बस जल्दी जल्दी देख कर किसी तरह से आगे बढ़े, तो आगे चाहे आप कितना भी धीरे क्यों ना बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न होता है। ओके, तो फिर आप देखिए कि उसको सॉल्यूशन निकालने से पहले ही आपको वो सब चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकलता है,
उसका क्या सब फैक्ट था कल मैंने ये इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में पार्ट वन में मैंने जो सब बताई थी उस बात को आप ध्यान रखें चारों बातों का। और फिर मैं क्वेश्चन आ गया तो फिर मैं एग्जांपल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए कि लॉस मेमोरी प्रॉब्लम, लॉस मेमोरी प्रॉब्लम यानी कि आपको भी लगता होगा, हमको भी पहले लगता होगा कि सबका माइंड जो है कमजोर होता है या फिर सबको ऐसा लगता है कि